प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। यह ऐलान करता हूं कि अरे ये तो पहले से गिरा हुआ है। ये गोकुलधाम सोसाइटी है। गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी यही है। गोकुलधाम ने कलर कोर किया। सभी कॉन्ट्रैक्टर ने गोकुलधाम में कलर करने से मना किया था ना। सगाराम, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? आती भाई सही बात है। किस कॉन्ट्रैक्टर ने इधर कलर किया है? पहचानो। ये रहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर। चाचा आप? हाँ। पर आपके पास मजदूर कहाँ है? मजदूर है ना, ये क्या? ये सब मजदूरी तो है हम सब लोग, और क्या? क्या अब सबने मजदूर यूनियन? तू जो काम अधूरा छोड़ के गया था ना, वो हम सब गोकुलधाम वासियों ने मिलकर उसे पूरा किया। सकाराम, दुनिया में किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है। हौसला, हिम्मत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। क्या बात। यस। नाकाम तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सकाराम, जेब का वजन बढ़ाने में दिल पर वजन बढ़ जाए तो वो घाटे का सौदा है। सच्ची बात है। मेहनत और ईमानदारी से जेब का वजन बढ़ता रहे तो उससे दिल पे बेईमानी से पैसा कमाने का बोझ नहीं रहता, समझा? सुना अब्दुल भाई? बराबर, एकदम बराबर। समझ गए चाचा जी, मेरे 35 साल के करियर में मैंने सबसे यही सीखा है कि हर बात में अपना कमीशन निकालो। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल पे लगा हुआ बेईमानी का रंग हटाया। चाचा जी, आज से बेईमानी का काला रंग उतार कर मैं सिर्फ ईमानदारी के सफेद रंग में रंग जाऊं। शाबाश। वाह वाह, बाबू जी अपना तो धो डाला। क्या बात है सखारा भाई, वाह, तुम्हारे सर से तो बेईमानी का रंग उतर गया। ठीक वैसे ही अगर हम सारे हिंदुस्तानी ईमानदारी के रंग में रंग जाए तो हमारा तिरंगा और शान से सारी दुनिया के आसमान में फहराएगा। सही बात है। भिड़े भाई, मैंने आपको जो कोटेशन दिया था ना, उसमें हर बात में मैंने अपना कमीशन रखा था।
वो तो मैं वापस दे दूंगा, और साथ में बाबू भाई बांबू वाले का भी हिसाब मैं देख लूंगा। वाह, मन में राम बसते है ना तो ऐसा ही होता है। बेईमानी के कमीशन का वजन मैं मेरे दिल पे नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा आया दुरुस्त आया। गुड। क्या बात है, सखाराम ने कमीशन भी वापस देने की बात कर दी। भाई नया कलर लगते ही गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सही बात है। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, और वो है श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठा प्रा गोकुलधाम के सम्राट। मुझे अरे नहीं बनेगा, गलती हो रही है तेरे भिड़े। मुझे क्यों? नहीं नहीं भाई, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से ही गोकुलधाम में ये नया कलर हुआ है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई से थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा भिड़े मास्टर, हमें जेठा भाई के लिए सम्मान समारोह करना चाहिए। बरोबर, वो बिल्कुल करेक्ट किया आदि ब्रा। हाँ, ताकि पार्टी भी हो जाए डॉक्टर आदि। हाँ सही बात है। वाह वाह। अरे नहीं 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 भाई, नहीं मुझे कोई, अरे क्या तू भी, अरे ना भाई, नहीं नहीं मुझे कोई सम्मान मम्मन गुतने चाहिए भाई। कैंसल। जेठालाल तुमने अभी जो बात कही वो कैंसल। भाई आज रात को तुम्हारा सम्मान समारोह होगा पूरी धूमधाम से। हेलो, ऑल इन वन जनरल स्टोर स्पीकिंग। आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भिड़े साहब, बोले बोले, अब्दुल भाई के लिए क्या हुक्म है? हाँ भाई, आज रात को सम्मान करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सम्मान करने की क्या जरूरत है? तेरा नहीं, अब्दुल जेठालाल का सम्मान करना है। हाँ वो तो मालूम है, तुझे पता है, वो मुझे पता है, उसके लिए एक हार लाना है। कितने का लाओ? 500 का, 1000 का? 500, 1000? वेट लग ले, 100 वाला लेके आना। 100? 100 वाला कम पड़ जाएगा क्या? ठीक है, 150 वाला लेके आना। 150? ठीक है भाई, 200 वाला लेके आना। देखो अब्दुल, भावना जरूरी है, भाव नहीं। हाँ ये हुई ना सम्मान वाली बात। हाँ भार साहब को पहुंच जाएगा। शाबाश। क्योंकि आपने उनका साथ दिया। हमारे वहाँ कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, इसलिए समझे। अब पता चला मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। सॉरी क्या? पता नहीं मुझे कामयाब करने वाली मेरी पत्नी कब आएगी। मैं क्या कहता हूँ? ओ पत्रकार पोपटलाल जी, यहाँ पे आइए, कार्यक्रम शुरू करना है भाई। हाँ हाँ, थोड़ा लेट हो गया है थोड़ा। चलो भाई आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया। पोपटलाल कितने टाइम बाद? हाँ तो मैं भिड़े शुरू कर सकते। वही कर रहा हूँ पोपटलाल। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों का इस नई चमचमाती गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, सखाराम ने हमसे जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे कोटेशन में, वो उसने हमें वापस कर दिए है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट ज्यादा और सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से हमने गोकुलधाम सोसाइटी में कलर करना कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी की वजह से
हम गोकुलधाम में कलर कर पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो A1 कलर मार्केट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है वो सिर्फ इनकी वजह से हमें 1.5 लाख रुपए में मिला है। तालियां। हाँ लेकिन जेठालाल जी, वो 1.5 लाख रुपए आपको देने के लिए अभी फिलहाल सोसाइटी के पास नहीं है। अरे भाई मैंने कहा मांगे, लेकिन बड़प्पन। हाँ। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैं जानता हूँ कि आपका मन बहुत बड़ा है, अगर जिंदगी भर भी सोसाइटी आपको पैसा नहीं देगी तो भी आप नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी आपको पैसा देगी। सखराम से आए हुए 40,000 रुपए और सोसाइटी फंड में बचे हुए 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के आपको 90,000 रुपए दिए जाएंगे। और बचे हुए 60,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के सामने, फ्लैट का सॉरी माफ करना, आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के सामने एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक। अब मैं हमारे कमेटी मेंबर की ओर से श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी से विनती करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए ताकि हम उनका सम्मान कर सके फूलों का हार पहना कर। अरे एक मिनट भाई, देखो मैं क्या कहता हूँ भिड़े भाई, ये सम्मान मम्मान रहने दो, ये नहीं नहीं करो प्लीज। अरे जेठालाल, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए भाई। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह पे सोसाइटी का और कोई भी सदस्य होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया है। ये सम्मान रहने दो प्लीज भाई, प्लीज भाई। जेठालाल तुम्हारी दलील कैंसल। भिड़े जेठालाल का सम्मान करो। हाँ बिल्कुल, और जेठालाल फूलों का खर्चा हुआ है ना, तो सम्मान तो करना पड़ेगा ही। ये देखो ये फूल का खर्चा किस लिए? अरे भाई, अरे नहीं भाई, जेठालाल भावनाओं को समझो। इधर इधर आइए। इधर साथ। ठीक है भाई। अब्दुल हार लाओ भाई। अरे हार अंदर रखा था, अभी नहीं है तो ढूंढो उसे भाई, क्या कर रहे तू है? करते हो अब्दुल? अरे अरे भाई नहीं मिल रहा है हार, जाने दो ना भाई, रहने दे, सम्मान मम्मान नहीं चाहिए भाई। कहाँ रख देते हो भाई, टाइम पे चीज मिलती नहीं है तो। अब्दुल कहाँ रख दिया भाई? ये रहा हार। वहाँ रखा है। बबीता जी अब मानेंगे नहीं। एक मिनट। जेठालाल का सम्मान मेरे हिसाब से सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा को करना चाहिए। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, एक पिता के हाथों अपने पुत्र का सम्मान हो, इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। सही बात है। करे करे बबीता, तुम बैठ। जेठालाल तुम स्टेज पर चलो। आइए चाचा जी। आइए आइए। मैं क्या कहता हूँ, अगर बाबूजी सबसे पहले ब्रश उठा के कलर करना चालू नहीं करते तो हम सबको कलर करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। बरोबर है, बरोबर है। इसलिए मेरे हिसाब से सम्मान के असली हकदार बाबूजी है। बरोबर है, बरोबर है। क्या बात है ये, वेरी गुड। अरे वाह दादाजी का सम्मान, ये। बिल्कुल बिल्कुल। अरे 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 जेठा सुन मेरी बात सुन। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि सम्मान पूरी सोसाइटी का होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने मिलके इस सोसाइटी को कलर किया है, तो फिर सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन चाचा जी हार तो एक ही है। अरे भिड़े मास्टर, हार तो ज्यादा मंगाने चाहिए थे ना। अरे हाथी भाई, हमने सिर्फ जेठालाल का सम्मान करने का निश्चित किया था, अभी एक आदमी के सम्मान के लिए कितने हार मंगाएंगे हम? अरे चिंता मत कर भिंडी मास्टर, ये एक हार काफी है,
हम इसी से सबका सम्मान करेंगे। ठीक है तो फिर चाचा जी सम्मान की शुरुआत आपसे करते हैं। जेठालाल करो शुभ शुरुआत। ले भाई ले। जी अब हमारे एक मेल सेक्रेटरी साहब का सम्मान करो जी, और इन्होंने कलर कराने के लिए बहुत टेंशन लिया। आओ भाई पत्रकार जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू पत्रकार, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, घर पे लेके जाते हो। वैसे चाचा जी एक बात कहनी पड़ेगी, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा सम्मान न देखा होगा न सुना होगा, एक ही हार में सबकी जीत हो गई। करेक्ट है। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हर बात निराली है। अब मेहता साहब वो अपने गोकुलधाम में कलर का सम्मान समारोह तो हो गया, अब सेलिब्रेशन होना चाहिए, होना चाहिए। अब पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। ये रोशन चुप करनी, कहीं पन बोले छे के लोकेशनो। सच तो कह रहा है सोडी। अरे क्या मतलब पार्टी शार्टी? अरे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। अरे हाथी भाई सेलिब्रेशन मतलब फिर से खर्चा होगा। नको नको। मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में नया कलर काम हुआ है तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वाह वाह, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है दया भाभी। विचार तो उत्तम है। वाह वाह। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वाह वाह दया वाह, थैंक यू। तो फिर ठीक है, कल दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। बढ़िया जी बढ़िया, वो कथा का हो गया, अब सेलिब्रेशन कैंसल। नहीं वो भी होगा कल रात को। अच्छा जी, आई शपथ सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है। अरे भिंडली मास्टर तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी को खर्चा नहीं होगा, बस उत्सव की जवाबदारी मेरी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये तेरा, कल दोपहर को सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और रात को उत्सव होगा। ओ चाचा जी पर क्या उत्सव होगा जी, दसो। अरे वो कल पता चल जाएगा, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करो। दोस्तों आम आदमी के सर पे बाल रहे ना रहे, लेकिन हर हिंदुस्तानी के सर पे तीन चीजें जरूर सवार रहती है, कर्जा, टेंशन और सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो हमारे देश की सांस सांस में बसता है। अगर मैं भारत देश को उत्सवों का देश कर दूं तो बिल्कुल उचित होगा, गलत नहीं होगा। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज का उत्सव मनाना जानते हैं। ऋतुएं बदलती है हम उत्सव मनाते हैं, फसलें कटती है हम उत्सव मनाते हैं, मौसम बदलते हैं हम उत्सव मनाते हैं। भारत देश यानी कि उत्सवों का देश। और इस वक्त तो ये महीना बड़ा पावन चल रहा है, इस महीने में उत्तरायण होगा,
होगा। इस खास महीने में हमारे सिख बंधु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं। इस शुभ अवसर पे मैं तमाम लाखों सिख बंधुओं को लख लख बधाइयां देना चाहता हूँ। और उत्सवों के इस देश में गोकुल धाम जो भारत वर्ष का एक छोटा सा हिस्सा ही नहीं है, भारत वर्ष की तरह छोटा भारत है। अब यहाँ पे अगर गोकुल धाम सोसाइटी का रंग बदल गया है तो उत्सव तो होगा ही, और इस उत्सव का क्या रंग होगा ये आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी ने घोषणा कर दी है कि सत्यनारायण की कथा होगी और साथ में होगा सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का अंदाज आप जानते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में बिल्कुल अलग होता है। अब ये सेलिब्रेशन क्या होगा सत्यनारायण की कथा के बाद, ये जानने के लिए आपको और मुझे मिलके देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक हम लगाते रहेंगे ठहाके, बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.